हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन शेयर टिप्स डॉट कॉम। और आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं, और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम कब, कहां और कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इस जानकारी के लिए आपको बने रहना है हमारे साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और दूसरे ग्रुप्स में भी भेजें ताकि लाइक माइंडेड कम्युनिटी बन सके। और चलते हैं मुद्दे के ऊपर के फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या और कैसे अचीव किया जाएगा। तो सबसे पहले मोटा मोटी यही बात है कि कितने पैसे चाहिए कि जिसके साथ आप कह सकते हैं कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया, फ्रीडम मुझे अचीव कर ली है। तो इसका आंसर आपको अंत तक मिल जाएगा, तो बने रहें और आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या। तो अगर आप देखेंगे यहां पे लिखा है, फाइनेंशियल फ्रीडम इज हैविंग एनफ रेजिडुअल इनकम टू कवर योर लिविंग एक्सपेंसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनफ। फाइनेंशियल फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि आप कहो कि मैं तो बन गया सुपर रिच। अगर आप जिंदगी में कंटेंट हैं तो आप लोअर कैपिटल के साथ भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो एनएफ कीवर्ड को आप हमेशा अपने दिमाग में ध्यान रखना। इट इज नॉट अबाउट बीइंग रिच, इसको आप ध्यान रखिए, और इस वर्ड को ध्यान रखिए एनएफ। नाउ यू नीड नॉट हैव टन्स ऑफ मनी, बट हैविंग एनएफ टू कवर योर एक्सपेंसेस, कि इतना आपके पास पैसा होना चाहिए कि आप अपने एक्सपेंसेस, डेली नीड्स को कवर कर सको। सो दैट यू कैन स्पेंड योर प्रेशियस टाइम डूइंग व्हाट यू लाइक। आप अपने टाइम को पैसा कमाने के पीछे भागने के बजाय वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है, तो आप कह सकते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम स्टेज पे पहुंच गए हैं, रादर देन डूइंग द थिंग्स टू अर्न मनी। तो हमें उम्मीद है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है उसका एक छोटा सा जिस्ट मिल गया होगा। हम इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा और तवज्जो देंगे ताकि ये चीज आपके लिए जिंदगी भर कैटेगोरिकली क्लियर हो जाए कि मुझे कितने पैसे कमाने हैं ताकि मैं कह सकूं कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज पे पहुंच गया हूं। एक बार फिर से देखते हैं, ऑब्टेनिंग ए स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम एंड फीलिंग इन चार्ज ऑफ ओन फाइनेंसेस। आपका पैसा इतना होना चाहिए कि वो सफिशियंट पैसे को और जनरेट करे, जिससे कि आपको ये चिंता ना रहे कि मेरे आने वाले समय में कैसे चलेगा। तो बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम का कंसेप्ट ये है कि आपने अपना आने वाले समय का पीरियड देखना है कि मैं 80 साल जिंदा रहूंगा या 85 साल जिंदा रहूंगा। तो आपके पास इतना सफिशियंट कॉर्पस होना चाहिए जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट कर सके और आपके लिविंग एक्सपेंसेस को भी मेंटेन कर सके, तब आप कह सकते हैं मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पे पहुंच गया हूं। ये नहीं होना चाहिए कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड डिग्रेड हो जाए फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल, देन यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। इट्स अबाउट रीचिंग अ स्टेज वेयर यू हैव एनफ मनी, टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विदाउट नीडिंग टू वर्क अगेन। तो बेसिक कंसेप्ट यही है कि आपके पास इतना पैसा आ जाना चाहिए कि आपको दोबारा ये ना सोचना पड़े कि मुझे काम पे कहीं दोबारा जाना तो नहीं पड़ेगा, और आप अपना समय उन चीजों पे करेंगे जो आपको पसंद है। A stage where whatever you have accumulated to date will start generating growing income. तो यानी कि आपका जो कमाया हुआ पैसा है आपने इस तरह से लगा दिया कि अब वो ऑटोमेटिकली अपने आप ग्रो कर रहा है। Why is financial freedom important? ये बहुत ही important है समझना। State of being where an individual has enough. वर्ड एनफ के ऊपर बहुत ही तवज्जो है, तो इस चीज को आपने हमेशा अपने दिलो दिमाग में बैठा करके रखना है। मोर ओवर फाइनेंशियल फ्रीडम अलाउज इंडिविजुअल टू मेक चॉइसेस एंड लिव द लाइफ दे डिजायर विदाउट बीइंग लिमिटेड बाय फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स।
तो बेसिकली उतने पैसे हों कि आप अगर कल बोलें कि मुझे शिमला घूमने जाना है तो आपको उसकी चिंता ना करनी पड़े कि खर्चा कहां से आएगा, कहीं मेरा मंथली बैलेंस बिगड़ तो नहीं जाएगा। बेसिक प्रमाइस ऑफ द फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर्मूला इज दैट मनी इज ए सिंबल ऑफ रिलेशनशिप एंड हाउ यू डील विद मनी, हाउ यू डील विद योर रिलेशनशिप। तो ये वाला जो फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला है ये डिफर करता है फ्रॉम वेरियस फाइनेंशियल एडवाइजर्स, फाइनेंशियल प्लानर्स, पर आज हम आपको एक सॉलिड फॉर्मूला देने वाले हैं जिसको आप आंख बंद करके लगा सकते हैं विद द गिवन पैरामीटर्स और आप बन जाएंगे फाइनेंशियल फ्री इन योर लाइफ बिफोर यू कैन सस्टेन मूविंग इन टू ए मोर कंफर्टेबल फाइनेंशियल पोजिशन। यू हैव टू बिकम मोर कंफर्टेबल विद योर सेल्फ। कंफर्टेबल विद योर सेल्फ आप तभी होंगे कि आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे काम करने का जरूरत नहीं है और मेरा लाइफस्टाइल सेम ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा और ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कल मुझे बच्चों के आगे हाथ फैलाना पड़े और उनसे पैसे मांगने पड़े। तो बिना देरी किए हुए हम उस फॉर्मूले पे आते हैं। तो फॉर्मूले को हमने दो कैटेगरीज में बांटा है कि जब आप ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ के जाना चाहता तो उस कैटेगरी में कितना अमाउंट चाहिए वो है आपका 25 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंस। तो आप जो सामने देख रहे हैं वो उस व्यक्ति के लिए है जो बच्चों के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो अगर आपका साल का 10 लाख एनुअल एक्सपेंसेस है तो आपको इसका 25 गुना यानी कि 2.5 करोड़ आपके पास होना चाहिए तो आप कह सकते हैं कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेट पे पहुंच गया हूं। पर ये उस बंदे के लिए है जो बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहता। पर उसके साथ कुछ राइडर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आपके पास अपना घर होना चाहिए, ये नहीं कि उसके ऊपर लोन है, आपका लोन क्लियर होना चाहिए, घर अपना होना चाहिए और नो डेट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड का बिल भी है, होम लोन का भी बिल है, पर्सनल कंजम्पशन वाले बिल्स भी हैं, तो इस तरह के डेट्स आपने नहीं लेने। आपने हेल्थ इंश्योरेंस को पक्का ले लेना है क्योंकि ये वो इंश्योरेंस है, अगर आपने नहीं लिया होगा तो ये सफेद कोट वाले आपके सारे इनकम को खा सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि अनएक्सपेक्टेडली हो सकती हैं और आपके पूरे के पूरे बैंक बैलेंस को हिला सकती हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस ये मस्ट है, अपनी जरूरत के अनुसार उसको ले लीजिए। कोई बोलेगा कि मैं जल्दी ले लूंगा तो उससे क्या प्रीमियम कम हो जाएगा? नहीं, कम नहीं होगा। जो प्रीमियम होता है वो आपकी एज के मुताबिक हर 5 साल के बाद बदली होता है। तो जब आपको लगे कि हाँ भाई मुझे अब इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू विल बी चार्ज्ड अकॉर्डिंगली। ज्यादा जल्दी शुरू करने से इसका फायदा नहीं मिलेगा, आपके प्रीमियम कम हो जाए। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी जरूर करवा लीजिएगा फॉर केटरिंग फॉर एनी फ्लड्स और एनी अदर इवेंट, या फिर जिसके अंदर थेफ्ट, बर्गलरी वगैरह सारा कुछ कवर होता है। तो ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस वगैरह। तो ये वाला लेने से ये फायदा है कि एक मन में जो चिंता रहती है कि अगर ये हो गया तो मेरा सा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो उन चीजों को ये कवर करता है। हेल्थ इंश्योरेंस डेफिनेटली आपने लेना ही लेना है। चिल्ड्रेन एजुकेशन, इस कॉर्पस के अंडर अगर आप बच्चों को इंडिया के अंदर ही पढ़ाना चाहते हो तो आप पढ़ा पाएंगे, पर अगर आप सोच रहे हैं कि उनको फॉरेन एजुकेशन देना है तो उसके लिए आपको अलग से एक प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके लिए आज से ही आप एक चिल्ड्रन एजुकेशन कॉर्पस गोल प्लानिंग के तहत उस फंड को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हर महीने कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते जाएं, सो डैट जब तक आपका बच्चा कॉलेज जाने के लायक हो फॉरेन में तो आपके पास सफिशियंट कॉर्पस होना चाहिए। और लास्ट में है मेक श्योर कि आप बच्चे की एक सिंपल मैरिज करें, क्योंकि मैरिज एक वो वाला खर्चा है उस कुएं की तरह है कि जिसमें जितना पानी डालते जाओ वो उसकी रिक्वायरमेंट कभी खत्म नहीं होगी। तो दिखावटीपन में नहीं जाना, मिनिमम जो खर्चा है उतना ही करिए एंड डोंट गो बाय शोशाबाजी। सो अगर कुछ बच्चों को नहीं छोड़ना तो 25 टाइम्स आपके लिए सफिशियंट है। अगर आपका साल का खर्चा
दस लाख है तो ढाई करोड़ आपके पास है, तो यू कैन से कि मेरे पास सफिशियंट है. नेक्स्ट, या बिफोर वी मूव अहेड, ये 25 गुना अगर आपके पास कॉर्पस आ गया तो उसको आपने इन्वेस्ट इस तरह से करना है कि आपका एज माइनस 100 माइनस एज को अगर आप करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा फिगर जो आपका इक्विटी के अंदर होना चाहिए. तो लेट्स से कि यू हैव टेकन रिटायरमेंट एट एन अर्ली एज, लेट्स से एट 50 इयर्स, तो 100 माइनस 50 यानी कि 50% आपका कैपिटल इक्विटी मार्केट में होना चाहिए और बैलेंस आपका डेट फंड में होना चाहिए या फिक्स डिपॉजिट में हो सकता है जहां से आपको रेगुलर इनकम आती रहे. अब 50% ये उस आदमी के लिए है जो हायर रिस्क टेकर है. अगर आप लोअर रिस्क टेकर हैं तो आप 100 की जगह 80 का फार्मूला लगाएं, 80 माइनस एज और उतने परसेंटेज आप इक्विटी मार्केट के अंदर लगा सकते हैं, तो ये यकीन रहेगा कि आपका कॉर्पस इन्फ्लेशन को डेफिनेटली बीट कर देगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और बाकी जो आपका कॉर्पस है वो आपको कॉन्टिन्यूस आपको इनकम देता रहेगा एज पर योर लाइफस्टाइल. अब हम आते हैं दूसरा केस जिसके अंदर आप बच्चों के लिए कुछ छोड़ करके जाना चाहते हैं. तो हम इंडियंस हैं और हमारी आदत है कि हम बच्चों के लिए पक्का कुछ ना कुछ छोड़ करके जाना चाहते हैं बिफोर वी लीव दिस हेवनली वर्ल्ड. और उस केस में आपके पास एनुअल एक्सपेंडिचर का 50 टाइम्स 50 गुना होना जरूरी है. अगर आपका खर्चा 10 लाख है पर एनम तो आपके पास कम से कम 5 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए, देन यू कैन से कि यस आई एम फाइनेंशियली फ्री विद द राइडर्स एज गिवन. घर आपके पास होना चाहिए, डेट नहीं होना चाहिए, उसके अलावा और कोई डेट आपके सिर के ऊपर खड़ा नहीं होना चाहिए. हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ले लेना, हमने पिछले केस में ये दोनों चीजों के ऊपर काफी ड्वेल किया है. चिल्ड्रन एजुकेशन, अगर फॉरेन भेजना है तो इमीडिएटली स्टार्ट ए चिल्ड्रन कॉर्पस फंड और उसको अगर आपने फॉरेन भेजना है तो यू कैन डिले योर फाइनेंशियल फ्रीडम एज मे बी बाय अ फ्यू ईयर सो डैट वो कॉर्पस बच्चे का बन जाए और आप उसको फॉरेन एजुकेशन के लिए भेज पाए. पर हाँ, अगर इंडिया में ही पढ़ाना है तो दिस कॉर्पस इज सफिशियंट. एंड लास्टली ये यू याद रखना, सिंपल मैरिज. इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा खर्चा मैरिज के अंदर होता है और वो ऐसा खर्चा है जो कि कुएं में पानी डालने के बराबर है और उसका कोई तुक नहीं है. किसी के साथ आपने कंपीट नहीं करना, आपने सिर्फ कंपीट अपने आप से करना है और अपनी इनकम स्लैब के हिसाब से और अपने कॉर्पस के हिसाब से आपने खर्चा करना है. तो हमें उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है. और अगर आपका इंटरेस्ट इंट्राडे में है तो आप हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर आप रोजाना 1 घंटा मॉर्निंग में ट्रेडिंग करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. सिर्फ 10,000 कैपिटल से ट्रेड करेंगे तब भी बहुत अच्छा मुनाफा आपको मिल जाएगा. सो मेक यूज ऑफ आवर सर्विसेज इन दिस सेगमेंट ऑफ बैंक निफ्टी ऑप्शन. और अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो आप आफ्टरनून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे निफ्टी ऑप्शन, वो भी इक्वलेंट अच्छा रिजल्ट देते हैं और 10,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं. हमारे क्लाइंट्स का वीडियो टेस्टिमोनियल सुनिए जो हमारे सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं. हेलो गाइस, आई एम विकास फ्रॉम कोयंबटूर तमिलनाडु. आई एम यूजिंग इंडियन शेयर टिप्स, बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप्स एंड गेटिंग रेगुलर प्रॉफिट्स. थैंक यू. हमें उम्मीद है कि इस वीडियो टेस्टिमोनियल के साथ आप डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर यू शुड ज्वाइन विद अस और नॉट. आप किसी के साथ भी जुड़िए पर याद रखें सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ ही जुड़ें और हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं और हम अपना काम जिम्मेवारी से करते हैं. हमारे टारगेट्स बड़े होते हैं, स्टॉप लॉस छोटे होते हैं. एम है आप घर रोजाना मुनाफा लेकर के जाएं. लास्टली, वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें. वेबसाइट पे जाएं और आप लिंक्स पे क्लिक करके हमारी सर्विसेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं. वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू एंड वी वांट ईच वन ऑफ यू हूसोएवर इज एसोसिएटेड विद अस
टू बिकम फाइनेंशियली फ्री इन योर लाइफ। मे बी किसी को थोड़ा जल्दी आ जाएगा, किसी को लेट आएगा, पर अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली हमारे बताए हुए तरीके से आप बहुत ही जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेज अचीव कर सकते हैं। लास्टली गो थ्रू द डिस्क्लेमर एंड वी विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।